कहते हैं कि वक्त को अगर कोई कैद कर सका तो वो है तस्वीरें। वक्त को अगर कहीं ठहरा हुआ देखा तो वो है तस्वीरें। वक्त का कोई गुजरा वाक्या, कोई दास्तां, कोई चेहरा, कोई लम्हा, कोई अधूरी सी ख्वाहिश अगर जहन में आई तो वो थी, वो है बस उस गुजरे वक्त की तस्वीरें। जिंदगी अगर तस्वीरों की तरह होती तो कितनी हसीन होती। कुछ पन्ने पलटते, चंद लम्हों में एक उम्र का सफर तय हो जाता, बस कुछ तस्वीरें पुरानी देखकर। वक्त की किताब के कुछ पन्ने पलटना चाहता, इस सफर की चंद घड़ियां कुछ लम्हे कैद करके रखे हैं मैंने, आज फिर उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं, आज फिर उनसे रूबरू होना चाहता हूं। तस्वीरें, तारीख याद नहीं पर कभी तो गुजरा था इन तंग गलियों से, कुछ बंद दरवाजे, कुछ आधी खुली खिड़कियां, कुछ सीलन खाती दीवारें और रुका हुआ सा सन्नाटा। गली के दोनों तरफ ईंट पत्थर के उन मकानों के दरमियान जिंदगी के होने का एहसास हुआ था। हसरतें, ख्वाहिशें, आरजू, जुस्तजू चंद लफ्जों में सिमट के रह गई जिंदगी। मायूसी मुकद्दर बन गई और मुस्तकबिल एक अनसुनी सी फरियाद। आंखें टकटकी लगाए जाने क्या ढूंढती हैं आसमान में, शायद बादलों के पार कोई अधूरा सा ख्वाब सांस लेता दिखाई देता है, शायद। वक्त की किताब के कुछ पन्ने और पलटे तो जिंदगी तंग गलियों से एक खुले आसमान के नीचे पहुंच गई। यहां कुछ ऐसा था कि जर्रा जर्रा अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था, बस उन्हें सुनने के लिए ठहरने की जरूरत थी, मैं ठहर गया। खंडहर में तब्दील हो चुके ये वक्त की वो मिसालें थी जो आज भी अपने वजूद के होने का एहसास दिलाती। ये मकबरे, ये मीनार, ये जगह, ये शहर अपने आगोश में अतीत के कितनी ही कहानियां समाएं, हुकूमत की जंग हो या जमीन की, नफरत की साजिश हो या मोहब्बत की दास्तां, न जाने कितने ही अफसानों के आगाज और अंजाम इनकी आंखों ने देखे। ऐसा लगता है कई राज दफन हैं इनके सीने में, और ये जैसे कहना चाहते हैं कि अगर कभी फुर्सत से मेरे साथ वक्त गुजारे तो कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ मैं ही सुना सकता हूं। अभी अतीत के अंधेरों में कुछ तलाश ही रहा था कि एक खिलखिलाने की आवाज आई, हल्की सी हवा चली और कुछ पन्ने खुद ही पलट गए। देखा तो बड़ा खूबसूरत सा मंजर था, बेपरवाह, बेफिक्र, बेखौफ, बेहद हसीन बचपन, प्यारा बचपन। ये वो दौर था जहां थकान का नामो निशान ना था पर नींद पलकों पर रहा करती थी। दिन भर दोस्तों के साथ दौड़ते, भागते, हंसते, खेलते, कब शाम को घर के किसी कोने में आंख लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। याद आता है कैसे माँ नींद से उठा के रोटी के निवाले खिलाया करती थी और हम बिना आंखें खोले माँ की गोद में सर रखकर खा लिया करते थे। याद आता है, काश लौट आते वो दिन। अभी इसी ख्याल में था कि एक लम्हे ने दस्तक दी, मुड़कर देखा तो लगा जैसे एक पल में
जिंदगी ने उम्र के दूसरे किनारे को छू लिया। चेहरे पर पड़ी झुर्रियां जैसे एक लंबे गुजरे दौर की कहानी लिख रही थी। करीब वहीं वो दोस्त थे जो जिंदगी के हर राज के राजदार थे। मुस्कुराती आंखें शायद यही कहना चाहती थी कि दोस्ती उम्र की मोहताज नहीं, बस दिल में अगर चाह हो तो दोस्त भी मिलते हैं, वक्त भी मिलता है और सुकून भी, शायद बचपन भी। कल, आज और कल के इस सफर में और बहुत से दौर देखे, बहुत से वाक्या याद आए, रफ्तार भरी इस दुनिया की चकाचौंध देखी। कहीं मिट्टी के बने घर में हर जरूरत को पूरी होते देखा, सुकून देखा, तो कहीं आसमान को चूमती इमारतों में इंसान की फितरत देखी, जुनून देखा। जिंदगी से जद्दोजहद करती कुछ बेमिसाल कोशिशें देखी, तो कहीं कोशिशों को जरा आराम करते देखा। कहीं कुदरत का प्यार बरसते देखा, तो कहीं आंखों में नमी देखी। कहीं खामोशी, कहीं शोर, कहीं नफरत, कहीं मोहब्बत, कहीं महफिल, तो कहीं सूनापन देखा। जिंदगी के कई रंग देखे, जीने के कई तरीके, कई ढंग देखे। शायद इसी का नाम जिंदगी है, शायद वक्त की यही कहानी। जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने का अंदाज आना चाहिए। कहीं सूरज ढलता है तो कहीं सवेरा होता है, बस उम्मीद का दिया जलाए रखना, हौसला खुद मंजिल का पता ढूंढ। जिंदगी की इस किताब में वक्त ने कई पन्ने सादे रखे, इन्हें क्या रंग दें, इन्हें कैसे सजाएं, इन्हें कैसे याद रखें, ये फैसला हमारा है। तस्वीरें और कुछ नहीं, बस हकीकत का आईना है। ये गुजरा हुआ कल दिखाती हैं और कहती हैं कि इससे पहले कि आने वाला कल गुजर जाए, चलो आज उसमें वो रंग भरे जो कल हमें फिर से मुस्कुराने की वजह दे। तस्वीरें।